भारतको राजधानी दिल्ली स्थित नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनबाट 7 जना नेपाली बालबालिकाहरूको उद्धार गरिएको छ। एक हप्ता लामो विशेष उद्धार अभियानबाट 7 नेपाली बालबालिकाको उद्धार गरिएको हो। बाल कल्याण समिति सहित सलाम बालक, प्रयास संस्था, साथी संस्था, चाइल्ड लाइन 1098, रेलवे अथोरिटी, आरपीएफ र जीआरपीको संयुक्त पहलमा गत 27 मार्चदेखि अप्रेल 2 सम्म गरिएको संयुक्त उद्धार अभियानमा नेपाल, बंगलादेश र भारतका विभिन्न राज्यबाट दिल्ली पुगेका झण्डै 400 बालबालिकाको उद्धार गरिएको अभियानमा लागेका उद्धार कर्मीहरूले बताएका छन्। नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनका विभिन्न प्लेटफर्महरू, रेलवे स्टेशनका प्रवेश र निकासद्वारमा खटिएका उद्धार कर्मीहरूले बालबालिकाहरूको उद्धार गरेका हुन्। समारोहमा बोल्दै दिल्ली सरकार अन्तर्गत बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष वरूण पाठकले 7 दिनसम्म 24 घण्टा चलाइएको अभियानमा 7 नेपाली बालबालिकाहरूको उद्धार गरिएको बताए। उनले दिल्ली र अन्य राज्यहरूमा निरन्तर रूपमा नेपाली बालबालिकाहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा दिल्ली पुर्याइने गरेको भन्दै आफूहरूले उद्धार गरेका बालबालिकाहरूलाई किड इण्डिया नामक संस्था र नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा नेपाल पठाउने काम गरिरहेको पनि बताए। उनले नेपालको तराई क्षेत्र विशेष गरी रौतहटका बालबालिकाहरू धेरै दिल्ली पुग्ने गरेको बताए। बहुत कम स्टेट की रिप्रेजेन्टेशन होता था, बच्चे कम आ पाते थे, उनके स्टेट के भी बच्चे हमें यहाँ मिल रहे हैं। साथ में नेपाल के भी 7 से 8 बच्चे रेस्क्यू हुए हैं, बांग्लादेश का एक बच्चा रेस्क्यू हुआ है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही। लगातार नेपाल के बच्चे दिल्ली और बाकी स्टेट में आ रहे हैं। एवरेज अगर हम देखें तो रेगुलर जब आउटरीच होती है तो मंथ में 2-3 केस नेपाल के बच्चों के मिल जाते हैं, मगर इस 7 डेज़ की आउटरीच में भी हमें 7 बच्चे जो हैं नेपाल से मिले हैं। और उसके लिए क्योंकि ये अदर कंट्री का भी मेटल है और हमारे बहुत अच्छे रिलेशन नेपाल के साथ हैं ऑलरेडी। बाल बालिकाहरू घरको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले ठूला शहर घुम्ने रहर र प्रलोभनमा परेर दिल्ली पुग्ने गरेको पाइएको उद्धारमा खटिएकाहरूले बताएका छन्।